जस्टिस फॉर निर्मला पंता। बताज से 2 साल पुरानी है कंचनपुर नेपाल की रहने वाली निर्मला पंता नाम की एक 13 साल की बच्ची का रेप और मर्डर करके लोगों ने गन्ने के खेतों में फेंक दिया था। हुआ यूं कि 26 जुलाई की सुबह निर्मला हर रोज की तरह अपनी दोस्त बम के घर पर पढ़ने के लिए निकली। करीब 4 घंटे वहां बिताने के बाद 3 बजे वापस अपने घर के लिए निकली। रास्ते में क्या हुआ, किसने किया, ये नेपाल की सीबीआई तक आज तक पता नहीं लगा पाई है। निर्मला के माँ बाप ने बहुत देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढते ढूंढते थक गए तो पुलिस के पास गए। पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट ही लिखने से मना कर दिया, कहा कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप सुबह आना। अगले दिन एक खेत के पास से गुजर रहे लोकल के आदमी को जब एक लावारिस साइकिल पड़ी मिली तो उसने थोड़ा ढूंढने की कोशिश करी कि किसकी साइकिल है। ढूंढते ढूंढते वो निर्मला की बॉडी के पास पहुंचा। देखते ही उसने पुलिस को रिपोर्ट किया। उस बच्ची की बॉडी जिस हालत में थी ये बयां करना भी दर्दनाक है। बाद में बहुत कुछ हुआ, कभी किसी बेगुनाह से जबरदस्ती कबूल कराया गया, कभी लोगों से पूछताछ की गई, सीबीआई तक ने इस केस को 5 दिन बाद से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि कौन असली कल्प्रिट है। क्या गवर्नमेंट जानबूझ के छुपा रही है कुछ, या एग्जैक्टली क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। इन 2 सालों में एक बार भी निर्मला के माँ बाप चैन की नींद सो नहीं पाए। दिन रात इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि निर्मला के इस इंसिडेंट के बाद नेपाल में अगले 3 महीने में 600 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट किए गए। रेप जैसा घिनौना काम करने में शर्म तो किसी को आती नहीं, और अब डर भी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। समझ नहीं आता कि कब लोग लड़कियों को सम्मान की नज़रों से देखना शुरू करेंगे, कब उन्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं एक इंसान मानना शुरू करेंगे। हर दिन हर वक्त रेप की न्यूज सुन सुन के दिल दहल जाता है। हमारी आवाज सुनी जा सकती है अगर हम कोशिश करें तो, मिलके निर्मला को इंसाफ दिला सकते हैं। भगवान ना करे जो निर्मला के साथ हुआ है वो हो दोबारा किसी के साथ भी।